पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया था, वॉल्स को कलर कर लिया था, और जो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने बैकग्राउंड में कलर्स अप्लाई कर दिए हैं। हमने जितने भी कलर्स अप्लाई किए हैं सबका जो है वो लेयर डिफरेंट। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, दरवाज़ा बंद कर दो, अगर मौजूद नहीं है तो सबसे पहले हम इंटरनेट से टेक्सचर्स को डाउनलोड कर लेंगे। मैं गूगल पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ग्रास टेक्सचर्स, मैंने लिखा और इसको मैंने सर्च किया है। आपने ये देखना है कि सबसे पहले टेक्सचर को देखने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो सबसे पहले ये कि उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, और किसी ने भी यहाँ से डायरेक्ट ऐसे सेव नहीं करना। जो भी टेक्सचर सेव करना है उस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपके पास ओपन हो जाएगा। इसका आपने यहाँ से साइज़ देखना है, ये 200x200 इतने पिक्सल्स तक नहीं होनी चाहिए, कम से कम आपके पास 800 प्लस में होनी चाहिए, कम से कम एक वैल्यू। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू मेरे पास 1000 है, दूसरी 563 है, तो इसका मतलब है ये अच्छा टेक्सचर है, इसके ग्राफिक्स अच्छे हैं। तो इसी तरीके से आप जो भी डाउनलोड करें उसके ग्राफिक्स इस तरीके से अच्छे होने चाहिए। मैं इसको सेव एज करता हूँ, राइट क्लिक करके सेव एज करता हूँ, और जहाँ पर मैंने अपने टेक्सचर रखे हुए हैं वहाँ पर मैं इनको टेक्सचर पर जाकर सेव कर देता हूँ और नाम दे देता हूँ। ये मैंने इसको इसी तरीके से ये मैंने टेक्सचर सेव कर लिया है। अब इसके बाद हम फोटोशॉप के ऊपर आते हैं, इसकी लेयर पे आते हैं। यहाँ से ये लेयर है कौन सी, ये लॉन की लेयर है, इस पर हम आए हैं, राइट क्लिक किया है। यहाँ से हमारे पास एक लेयर्स पैनल है, लेयर पैनल के ऊपर यहाँ से ये आपके पास एक एफ सा लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है पैटर्न ओवरले। सबसे पहले आप बल्कि आप ये काम कर लें कि आपके पास जो यहाँ पे आपने जो इमेज सेव की है इसको आप फोटोशॉप में ओपन करें। इसको फोटोशॉप में ओपन करने के बाद आप एडिट पे जाएंगे और डिफाइन पैटर्न पे क्लिक कर देंगे। डिफाइन पैटर्न यहाँ से इसको हम ग्रास जेपीजी दे दिए, इसको ओके कर दिया। अब ये फोटोशॉप के अंदर पैटर्न एक किस्म का आ गया है, तो हमने इसको कर देना है बंद, बंद कर दिया है। अब हम जाते हैं जो लेयर हमने यूज़ किया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ग्रास लगाना है, तो ये ऑटो सेलेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ग्रास पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ये इस लेयर पे लॉन की लेयर पे मैं आ गया हूँ। इसको यहाँ से एफ़ पे क्लिक करते हैं, पैटर्न ओवरले, पैटर्न ओवरले हमारे पास आ गया। पैटर्न ओवरले में यहाँ पर हमारे पास क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास पैटर्न आया हुआ है। इस पैटर्न को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको अब देखें कि इस जगह पर यह पैटर्न ओवरले हो गया है। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे पास यहाँ पे पैटर्न आ गया है। अब इसका यहाँ से मैंने साइज़ एडजस्ट कर लेना है कि ये यहाँ पे कितना होना चाहिए, कि यहाँ पे ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आपने मुझे इतना बेहतर लग रहा है, इसको मैंने यहाँ से इसका साइज़ एडजस्टमेंट करके इसको मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पर ये इसका ग्रास का पैटर्न अप्लाई हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट ये है कि आपने यहाँ से पोर्च की टाइल्स अप्लाई करनी है, तो वही तरीका कार है कि आप गूगल पे जाएं और यहाँ से पोर्च टाइल लिखें, या पोर्च टाइल TEXTURES। टेक्सचर्स आपने लिखना है हमेशा, आपने सिर्फ ऐसा नहीं करना कि पोर्च टाइल नहीं लिख के सर्च करना। अगर आप पोर्च टाइल लिख के सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से ये चीज़ें जो आ रही हैं ये एक्सेप्ट नहीं होती, आपका सिर्फ टाइल टेक्सचर ही होना चाहिए। टेक्सचर से मुराद ये होता है कि आपका जो है ना वो टॉप से टाइल नज़र आनी चाहिए, और जब आप उस पर अप्लाई करें तो, और टेक्सचर भी ऐसा होना चाहिए कि वो कंटिन्यूटी शो करे, ऐसा ना हो कि बीच में वो बॉक्सेस आ जाएंगे, एक टेक्सचर आप लगाया वो आपने सेपरेट नज़र आए, दूसरा आपको सेपरेट नज़र आए। अब पोर्च के लिए मैं जो है वो ये वाली टाइल रख लेता हूँ, ये अब ये देख रहे हैं ये बहुत छोटा है, 280x280 है, तो इसके लिए ये मुझे सूट नहीं करता। अब ये देखिए ये 550x550 है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। सेव एज करके यहाँ पे पोर स्टाइल लिख देता हूँ मैं, मेरे पास कुछ पहले भी पड़े हुए हैं, इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब इसके बाद फोटोशॉप पर दबा जाता हूँ, उसको फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ पे पोर स्टाइल होगी, इसको ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन हो गई है। एडिट पे जाता हूँ, इसको डिफाइन पैटर्न कर देता हूँ पोर स्टाइल के नाम से, ओके कर दिया, इसको कर दिया बंद।
अब मैंने पोर्च पे डिफाइन पैटर्न करना है, पोर्च पे क्लिक किया, यहाँ से ये आ गया और इसको पैटर्न ओवरले पे जाता हूँ और यहाँ से इस पे मैं पोर्च वाली ये टाइल अप्लाई कर दी। ये टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गई हैं। अब इसका मैंने यहाँ से स्केल जो है ना वो एडजस्ट करना है। अब आप एक चीज़ यहाँ से आप बगौर मुताला करें कि जो पैटर्न हमने लगाया ना, अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से इसको ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, ये साइडों से क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, साइडों से डबल कर रहा है। इसलिए आप लोगों ने जो भी पैटर्न सेलेक्ट करना है वो कंटिन्यूटी में आए, ऐसा ना हो कि जब आप उसको नेक्स्ट वो आए तो पहला भी और साथ मिल के बीच में लाइन ही शो ना करें। अब ये जो वाइट लाइन आ रही थी ये कंटिन्यूटी में शो होनी चाहिए, एक साइड पे होनी चाहिए। तो इसका क्या तरीका कार है कि अगर आपके पास कोई ऐसा टेक्सचर पड़ा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर ऐसा टेक्सचर नहीं है तो उसका हल ये है कि आप इसको फोटोशॉप में ओपन करें। यह फाइल है, इसको ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे पास एक राइट क्लिक करता हूँ, इस पर लेके आता हूँ, ये एक साइड से ये आपकी, इसको मैं क्या करता हूँ कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, वी प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ नीचे तक ले आता हूँ। ये मैंने इसको नीचे लगा दिया ताकि जब आप इसके साथ दूसरे के साथ अटैच करें तो ये आपको ये लाइन शो होनी चाहिए। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल ई करने से फाइल मर्ज हो गई है। इसको एडिट पे जाता हूँ, डिफाइन पैटर्न कर देता हूँ, पोर स्टाइल नाम चेंज कर देता हूँ, इसको वन कर देता हूँ। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। अब इस लेयर पे जाता हूँ और पैटर्न ओवरले पे जाता हूँ, यहाँ से पोर स्टाइल वन देखता हूँ। अब हम यहाँ से इसका देखते हैं, अब ये देख रहे हैं, अब ये वर्टिकली जो है ना वो पोजीशन ठीक हो गई है। अब सिर्फ क्या रह गया, हमने एक साइड से तो हमने लगा दिया था, अब एक साइड से जब लगाया तो ये देखें ये पूरा ब्लॉक हमारा सेंटर वाला ठीक चल रहा है। अब यही ब्लॉक आपने लेफ्ट साइड पे भी लगाना है, कैसे लगाना है उसको भी हम सेट कर लेते हैं। कंट्रोल जे करने से कॉपी हुआ, इसको वी प्रेस करके नीचे ले आते हैं। डाउन का बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये नीचे आ रहा है, ये बन गया। अब इसी तरीके से हमने वर्टिकली भी एक साइड से इसको देना है, तो कंट्रोल प्रेस करता हूँ मैं, इसको कंट्रोल जे प्रेस किया और यहाँ से वी प्रेस किया और बैकग्राउंड के लेयर पर हम जाते हैं और इसको हम पहले लेयर को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, इसको अब हम कंट्रोल एस करते हैं और यहीं से इसको फाइल पे एडिट पे जाते हैं और डिफाइन पैटर्न कर देते हैं। अब हम इस पे जाते हैं और यहाँ से पैटर्न ओवरले पे जाते हैं। अब आप देख रहे हैं
कि यहाँ से अब आपने स्केल एडजस्ट करना है कि स्केल जितना एक्चुअल में है उतना है या नहीं है। ओके कि यह यहाँ से अब आप ये देखें, यह पोर्च की टाइल एडजस्ट है, ठीक है। और अब आपने स्केल भी मद्देनज़र रखना है कि ये अगर आप 2 फीट बाय 2 फीट की स्केल लगा रही हैं तो वहाँ पे उतनी टाइलें होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपने स्केल से आउट की हुआ जो है वो टाइलें बहुत बड़ी बड़ी लगा रही हों। तो इसी तरीके से अब हमने बेडरूम में टाइल लगानी है। ये मेरे पास कोई बेडरूम है या टी वी लॉन्च है तो ये मैंने बेडरूम पर गया हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, पैटर्न ओवरले करता हूँ। या सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी लगानी है, गूगल पे जाते हैं, बेडरूम टाइल्स टेक्सचर्स, अब मैं टाइल कौन सी लगी, मैं ये लगाता हूँ वुडन प्लैंक्स में लगाता हूँ बेडरूम में, तो इसको मैं बेडरूम के नाम से देता हूँ, सेव करता हूँ इसको, स्केचअप पे जाता हूँ, फाइल ओपन, ये वुडन प्लैंक्स मैंने ओपन किया है, ठीक है। इसको एडिट पे जाते हैं और टाइल टेक्स डिफाइन पैटर्न करते हैं, डिफाइन ये इसका टेक्सचर छोटा है, आपने थोड़ा सा इमेज थोड़ा सा बड़े साइज़ की लेनी है। बहरहाल अभी हम लगा देते हैं, ये हमारे पास सारे के सारे बेडरूम में लग गए। अब इसका मैं स्केल थोड़ा सा ओके कर दिया। अब चूंकि ये सारे बेडरूम्स की एक लेयर थी, मैंने एक ही तरह के लगाने हैं, तो इस सारों के अंदर ऑटोमेटिक एक ही लेयर में टेक्सचर अप्लाई हो गया है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल?